الحنيكاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. ترجمة. And Shaitan will say, when the matter has been decided, verily Allah has promised you a promise of truth, and I too promise you, but I betrayed you. I had no authority over you except that I called you, so you responded to me. So blame me not, but blame yourselves. I cannot help you, nor you can help me. Thank you. Our next act, ladies and gentlemen, is Mobile Ke Fitne. Assalamu alaikum, Dadi Jaan. Wa alaikum assalam, beta. Aur kaisa tha tumhara college? Dadi, aaj ka din bahut acha tha. Science ka practical bahut lamba tha. नमाज कजा होते होते बची, मैं जल्दी से कॉमन रूम में गई और नमाज पढ़ी। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब रखे। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम क्लास में फर्स्ट आओगी। और हमारी छुटकी मायरा कहाँ है? अम्मी जान वो तो होमवर्क करके सो गई। अरे, आज तो हमें फरीदा के वलीमे में भी तो जाना है। और अम्मी जान, आपने डायबिटीज की दवा ली? भूल गई, कितना ख्याल रखती हो मेरा। अल्लाह करे ऐसी बहू सबको मिले। अस्सलामु अलैकुम अशरफ भाई जान, तो कैसा रहा आपका दुबई का सफर? मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अच्छे हैं। क्या आप हमारे लिए कुछ लाए हैं? क्या जरूरत थी भाई जान, हमेशा आप ही क्यों तकलीफ करते हैं? अम्मी जान बताइए ना, क्या लाए मामू जान? अम्मी जान बताइए ना। रुको बेटा, बात तो कर लेने दो। हाँ भाई जान, क्या लाए हैं जल्दी बताइए, आपकी भतीजी ना मेरा दिमाग खराब कर रही है। ये क्या लगा रखा है? सरप्राइज सरप्राइज। अरे अम्मी जान, वो सरप्राइज बोल रहे हैं, सरप्राइज। अच्छा ठीक है। हाँ, और आपने भिजवा भी दिया। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे वाह, मामू जान ने गिफ्ट भेजा है। माशाल्लाह, कितनी अच्छी चीज भेजी है मामू जान ने। आखिर भाई किसका है, उसे तो मेरा कितना ख्याल है। अम्मी अम्मी, मामू जान को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना, इतना स्मार्ट गिफ्ट जो भेजा है। अरे कोई मुझे तो बताए, अशरफ बेटे ने क्या भेजा है? टेंटेंट स्मार्टफोन। हाय दैया, ये क्या भेज दिया अशरफ बेटे ने? एक स्मार्टफोन, ये तो फितना है फितना। अरे दादी,
आजकल तो ये हर घर घर में फर्द के पास है मोबाइल फोन। और वैसे भी अम्मी जान, इसे हमने थोड़ी ना खरीदा है, ये तो गिफ्ट है गिफ्ट। और ना ही हमने वाईफाई लगवाया है, ना ही 4G 5G का डाटा रिचार्ज करवाया है। अब तो न्यूज और क्रिकेट भी देखने को मिलेगा दादी जान। और माहिरा देखेगी तो कितना खुश होगी। लीजिए अम्मी जान, अपने मुबारक हाथों से इसे ऑन कीजिए। बुजुर्गों की इज्जत करना तो कोई तुमसे सीखे माशाल्लाह। लेकिन पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर इसे ऑन कर लेंगे। पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? मैं हूँ एंड्रॉइड मोबाइल फोन, शैतान का सबसे बड़ा हथियार, जो हर घर में घुस घुस कर वार करता है। मैं अशरफ भाई के जरिए इस मैदान में आया हूँ। और मैं मैदान से जाने वालों में से नहीं हूँ। जिस तरह मैंने अशरफ भाई के घर में फितना फैलाई, उसी तरह मैं इस घर को भी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इस घर में मुझे कुछ ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन वो माहिरा और लड़की उनको बसाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो बुढ़ी दादी और संस्कारी बहू मेरे रास्ते के बीच में कांटा बन के आए तो देख लूंगा। सीन टू। अरे बेटा, कोई मुझे पानी तो ला के दे दे। लाती हूँ अम्मी जान, रुके जरा। अरे बेटा, जरा अपनी दादी को पानी तो पिला देना। अरे अम्मी, आप ही जाके दे दे। मायरा कहाँ है? वही मुझे ला के दे दे। देख रही थी मोबाइल, देखते देखते सो गई। लो, बच्ची सो भी गई। इसने खाना खाया है कि नहीं? क्या पता अम्मी जान, आज तो मैंने देखना ही भूल गई बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं। अरे अम्मी देखो, डाटा खत्म हो गया है। आप और माहिरा मिलके सब यूज कर लेते हो। आई नीड मोर जीबी। मेरा जादू चल रहा है, तो ये लोग लिमिटेड डाटा से भी बोर हो गए लगता है। मेरा जादू चल रहा है, तो ये लोग लिमिटेड डाटा से भी बोर हो गए लगता है। अब मुझे मेरे साथी वाईफाई को बुलाना पड़ेगा, जिसके बिना तो मैं लूला लंगड़ा हूँ। दादी दादी देखो ना, कितना बोरिंग गेम खेलना पड़ रहा है, पुराना। ये तो एंड्रॉइड मोबाइल की शान के खिलाफ है। अगर वाईफाई होता तो बात ही कुछ और होती। इस्लामिक नात, वीडियोस, हम्द, बयान सब कुछ देख सकती थी आप। यूट्यूब में तो और ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोस रहते हैं। पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़रूरत है, मेरे प्रोजेक्ट में कितनी हेल्प होगी। यूट्यूब? ये कौन सा ट्यूब है? अरे दादी, ऐप है, ऐप। नात, हम्द, बयान सब है उस पे। हस्बी रब्बी जल्लल्ला, ये नात भी आएगी? हाँ हाँ बिल्कुल आएगी, और भी बहुत कुछ आएगा। और आपके बेटे कह रहे थे कि वर्ल्ड अपडेट्स के बारे में जानने के लिए गूगल देखना बहुत ही फायदेमंद है, बाहर देश की न्यूज भी सुनने को मिलेगी। देखते देखते क्या ना दिखा दूं, तो मेरा नाम बदल देना। क्रिकेट में तो हर ओवर के बाद एक से एक बेहुदे। यस यस। दादी दादी, मेरे कॉलेज में ना सब फ्रेंड्स के पास है वाईफाई। दादी अब्बू से कह के लगवा दीजिए ना मेरी अच्छी दादी। अच्छा तो ठीक है, अगर कुरान हदीस के बारे में बता ही रहे हैं
तो फिर ठीक है। कुरान, हदीस, जनरल नॉलेज, ये तो एक बहाना है बहाना। आप देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से कैसे इनका टाइम खाता हूँ, टिकटॉक में तो इनको फंसा ही दूंगा, और इन बच्चों के लिए मेरा न्यू गेम पबजी काफी है। इस घर को मैं जन्नत से जहन्नुम ना बना दूं तो मेरा नाम बदल देना। हा, 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 हा। सीन थ्री। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए बैठिए। और आपा कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। अरे क्या बताऊँ आपा जान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या मैं इस ऑनलाइन मैरिज के चक्करों में पड़ गई? ऑनलाइन मैरिज पे एक लड़का देखा गया, इन्होंने भी खूब जिद की, मैंने भी हाँ कह दिया। शादी के एक महीने बाद पता चला लड़का दो दो बच्चों का बाप था। नहीं रोते। और आपा, आपको पता है कल हमारे मोहल्ले में क्या हुआ? क्या हुआ? इस मोबाइल ने कोई नई आफत लाई होगी। आपा, आपने एकदम सही कहा। आपको नहीं पता हमारी राजिया आपा के साथ क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? शायद आप लोगों को भी नहीं पता, मैं बताती हूँ। मेरा एक बेटा था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। उसे एक बीमारी हो गई थी, और आप जानते हैं उस बीमारी का नाम क्या था? उस बीमारी का नाम था टिकटॉक। इस टिकटॉक की बीमारी ने आखिर मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। वो रोज एक नई वीडियो बनाता, उसे अपलोड करता। आखिर हुआ क्या आपके बेटे के साथ? वह एक दिन अपनी छत पर टिकटॉक की वीडियो बना रहा था, बनाते बनाते वहां से गिर पड़ा। नहीं रोते बेटा। सीन फोर। मुझे फेसबुक देखना है, उसमें बिग बॉस की हाइलाइट्स आती है। अरे कोई मुझे नाथ लगा के दे दो, जब से ये मोबाइल आया मेरे तो कुछ देखना नसीब न हुआ, ना नाथ, ना डॉक्टर इसरा अहमद का बयान, नहीं कोई हम। मुझे दो, मुझे अपने कल की फंक्शन की पिक पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे। एक बार ये माहिरा आ जाए ना तो बस पबजी से चिपके रहेगी। और क्या तुमने अपने प्रोजेक्ट का काम किया? हाँ हाँ अम्मी, मैं उसी के काम में लगी हुई हूँ। देखो मैंने किसी को झूठ बोलना सिखाया, अब देखो कैसे इनसे बड़े बड़े गुनाह करवा दूँ, और ये मेरे रास्ते पे आते। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में जब कयामत आएगी तो करेंगे कब? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसो, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है परसो। ये इसे बच्चों का खेल समझते हैं, इन्हें क्या पता पूरा मगरिब मेरे साथ है। कितने डॉलर लगा दिए इन एप्स और गेम्स के पीछे, पबजी, प्रिंटरेस्ट, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो मेरे चेले हैं चेले। ये शैतानी गेम सीधे साधे मासूम बच्चों के दिमाग में बचपन में ही गन चलाना सिखा देते हैं। टिकटॉक जैसे बहुत से ऐप है जिसने इन सबको दुनिया से गाफिल रखा है।
स्नैप चैट में तो अच्छी खासी मुंह के शक्ल लोग को कुत्ता बिल्ली भी बना देता है। इनमें मैं रिवेंज वायलेंस किलादत और नजर डालूंगा। हा 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 हा। सीन फाइव। अरे मेरी फ्रेंड आई होगी, हमें प्रोजेक्ट जो बनाना था। अस्सलामुअलैकुम। दादी दादी सेल्फी। माहिरा माहिरा सेल्फी। मम्मी मम्मी सेल्फी। बेटा तुमने नमाज पढ़ ली? अरे दादी अभी पढ़ लेती हूँ। अरे जनमाज पे सेल्फी लेना तो भूल ही गई। मैं भी। ये कैसा ऐड है? चलो देखते। बेटा तुमने नमाज पढ़ ली? अरे दादी नमाज का वक्त तो चले गया, बाद में पढ़ लूंगी। हो देखा मैंने कैसे इनको पहले चीजें देखना सिखाई और सेल्फिश बनाया। आप देखो मैं कैसे इनसे और बड़े बड़े गुनाह करवाता हूँ और ये मेरे रास्ते पे आते। सीन सिक्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या फरीदा तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है? अच्छा अच्छा हम अभी आते हैं। अरे सुनती हो कि फरीदा की अम्मी की तबीयत खराब है, चलो चल के मिलाते हैं। बीमारों की आयादत करना बड़े अजर का काम है। अरे दादी वही फरीदा आंटी ना जिसके वलीमे में हम पिछले महीने गए थे। हाँ हाँ वही। अल्लाह रहम करे, चलो उनसे मिलाते हैं। अरे अम्मी अगर अभी मिलने गए तो बेकार में ही सबसे मिलना पड़ेगा, वहाँ तो मैं मोबाइल भी नहीं देख पाऊंगी और मुझे आज कैसे भी करके टिकटॉक की 2 वीडियोस अपलोड करना है, टाइम लगता है प्रिपरेशन के लिए। अब एक काम करिए उनको मैसेज कर दीजिए और गेटवेल से उनका स्टेटस लगा दीजिए। लो हो गई ना आयादत। और मुझे भी लेना अपनी वीडियो में। अस्तग़फ़िरुल्लाह लड़कियों अल्लाह का खौफ करो, यहाँ फरीदा की अम्मी की तबीयत खराब है और तुम लोग को इस झूठे फितनों की पड़ी है। लो दादी फरीदा आंटी का कॉल आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हमें याद कर रही थी, मुझे बहू और माहिरा को? अच्छा हम अभी आते हैं। आपा कितना चाहती थी हमें, हर अच्छे बुरे वक्त में हमेशा हमारा साथ देती थी, आखिरी लम्हों में भी हमें याद कर रही थी। बहुत अफसोस है कि उन्हें अपना दम गैरों के बीच छोड़ना पड़ा। अल्लाह रहम करे, इतनी जल्दी फरीदा की शादी हुई और अम्मी का इंतकाल। बेहया अब तो मोबाइल रख दे। मैं ठीक।
और याद से ईशा की नमाज पढ़ लेना। जब से ये मोबाइल आया है तुमने तो नमाज पढ़ना छोड़ ही दिया है। बेचारी फरीदा आंटी, उनकी अम्मी का तो सच मुझ इंतकाल हो गया। अम्मी और दादी तो उनसे मिल भी नहीं पाए। अगर पहले कॉल आने पे चले जाते तो शायद मिल भी लेते। सच ही तो कह रहे थे अम्मी और दादी, ये मोबाइल ये तो शैतान की आँख है। आँख कितने इंडिफरेंट हो गए हैं हम इसकी वजह से। कितना सख्त हो गया है हमारा दिल। वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सारी नमाज कजा हो जाती है। मैं अपना होमवर्क भी नहीं कर पाती हूँ। और कुरान को माने जमानों हो गए पढ़े हुए। चलो मैं अभी नमाज पढ़ लेती हूँ और फरीदा आंटी की अम्मी के लिए मगफिरत की दुआ भी कर लूँगी। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा मिशन कैसे कामयाब होएगा? क्या करूँ? क्या करूँ? आइडिया आइडिया। ऐसी नौजवान नस्ल के लिए मेरा एक ही मात्र हथियार सही है, सोशल मीडिया। यस यस। अरे सुनती हो, प्रोजेक्ट नहीं बनाना, गूगल पे सर्च कर लो और यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो भी देख लो। अरे हाँ, प्रोजेक्ट भी तो बनाना था। सबमिशन की लास्ट डेट है। एक काम करती हूँ, पहले प्रोजेक्ट बना लूंगी फिर नमाज पढ़ लूंगी। मेरे बारे बदले में मिली लाज, जिनको दिए सहारे, स्टार लाइफ में भाई बन के साथ थे मेरे, आज वक्त नहीं हक में तो छोड़ गए सारे। अरे आज तो फिल्म फेयर अवार्ड आने वाला है, मैं तो ये इसी मोबाइल में देखूंगी। सीन सेवन। दादी दादी देखो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सिटी सेंटर कपड़े लाई हूँ, देख कर बताओ कैसा है। देखना ही क्या है इसमें, ना आस्तीन है ना गला है। पहले तो ये लड़की बगैर बुरके के बाहर नहीं जाती थी, अब पता नहीं इसने अपना बुरका कहाँ फेंक दिया। अरे दादी, अगर ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी तो कोई दोस्ती ही नहीं करेगा। वो वो मेरी फजूली बकरी, मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर घिसने के बाद और मेहनत रंग लाती है मोबाइल पर घंटों आके गड़ाने के बाद, खाली ये समझने के लिए इन्होंने कितना टाइम लगा दिया। उफ। ऐसी दोस्ती किस काम की? दोस्ताना अपनी जगह, किरदार अपनी जगह। तुमने मुझसे वादा करा था कि तुम मॉडर्न वीडियोस देखोगी लेकिन अमल नहीं करोगी। देखो अपनी लड़की कैसी होते जा रही है। अब अम्मी मैं इसमें क्या करूं? कल ही आपके बेटे मुझसे कह रहे थे कि तुम आलिया भट्ट जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती, जदीद तर्ज के फैशनेबल कपड़े तो तुम पहन ही नहीं सकती, इतनी मोटी और भद्दी जो इतनी बोरिंग दिखती हो। अब तो रोज फजर कज़ा कर देते हो और बाद में नहीं पढ़ते, रात रात भर अंग्रेजी वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत ही बेहुदा और वही अच्छा। मैंने तो पहले ही कहा था ये मोबाइल तो बहुत बड़ा फितना है, अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करते तो ऐसा कभी नहीं होता। पूरी कौम इसे देखती है पर किसी को एहसास नहीं। हाँ मैं, मुझे भी यही लगता है। अब अकल आ रही है जब चिड़िया चूक गई खेत। अगर हम इसका टाइम टू टाइम लिमिटेड यूज करते, नॉलेजेबल वीडियोस देखते तो ऐसा नहीं होता। मेरा घर क्या से क्या हो गया। पहले तो हम सब साथ में खाना खाते थे, कितना ख्याल करते थे, और अब
ऐसा लगता है एक ही छत के नीचे अनजान लोग रह रहे हैं। किसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो तो पता है, लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है, किसको क्या मसला वो नहीं पता। हो 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 हो, ड्रग से भी पूरा एडिक्शन हूँ मैं तो वो नशा हूँ जो उतारे नहीं उतरता। मैं इतना खतरनाक वायरस हूँ जो आपके खून में दौड़ता है। हो 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 हो। अरे बेटा कोई मुझे पानी ला के देते। लाती हूँ अम्मी जान, रुके जा। मायर ही मुझे ला के दे दे। इसे बोलिए ना दादी। तुम चुप रहो दादी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे फ्रेंड से ही मुझे बहुत कम लाइक मिली है। जाओ, मुझे किसी की बात नहीं माना, जाओ, मुझे खाना भी नहीं खाना। सबसे पहले मैं अपनी एक अच्छी सी पिक्चर अपलोड करूंगी, तब जाके मुझे चैन आएगा। देखो मैंने कैसे इनको अपनी दुनिया में लाया। पहले तो मैंने इनको झूठ बोलना सिखाया, फिर इनको फेक चीजें देखना सिखाई, फिर इनको सेल्फिश बनाया, फिर इनकी नमाज छुड़वा दी, और फिर इनको अल्लाह से दूर कर दिया, और फिर इनको नेट के जाल में फंसा दिया, और इन बेचारों को इसकी खबर ही नहीं। मैं जीत गया। ये घर पे तो मैंने ऐसी आग लगाई जो कभी बुझने वाली नहीं। लगता है अब मुझे किसी और का घर ढूंढना पड़ेगा। वो आप में वो वो आप में से किसी का घर होएगा। आओ मेरे चले आओ।